बोईसर शहर में विश्वास फाउंडेशन द्वारा डांडिया का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सिडको बाईपास पर इस डांडिया कार्यक्रम में उपयोग में लाए जाने वाले दो जनरेटर की गाड़ियां जो कि सिडको बाईपास पर अवैध तरीके से खड़ी की गई थी, जिस वजह से वहां पर ट्रैफिक जाम हो रहा था। इस मामले को प्लस 24 हेडलाइन ने प्रमुखता से उठाया और इसकी खबर चलाई। यह खबर देखते ही वाहतुक शाखा के अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और दोनों जनरेटर की गाड़ियों पर कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि आज वह दोनों जनरेटर की गाड़ियां सड़क से हटाकर सर्कस ग्राउंड में उन्होंने भेज दिया है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे प्लस 24 हेडलाइन के साथ।